हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बैटरी के अंदर पानी कब डालना चाहिए और कौन सा पानी डालना चाहिए, और टर्मिनल ब्लॉक की ये जैसे टर्मिनल ब्लॉक है आप देख सकते हैं, ये टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर क्या कुछ हमें लगा के रखना चाहिए जिससे कि कार्बन ना आए और अच्छी हमारी बैटरी रहे, बैटरी की लाइफ अच्छी रखने के लिए हमें कौन सा पानी डालना चाहिए और कैसे पानी डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप कम्प्लीटली देखने वाले हैं। ये हमारे पास एक बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, मैं मल्टीमीटर के साथ लास्ट में आपको चेक भी करवाऊंगा कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और ये भी चेक करवाऊंगा कि इसके अंदर क्या कैसे पानी डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके टर्मिनल ब्लॉक हैं। ठीक है, एक ये टर्मिनल ब्लॉक है नेगेटिव और एक ये वाला है पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके नट बोल्ट हमने खोल के रख लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इसके ऊपर एक मटेरियल लगा के दिखाऊंगा जिससे कि ये कार्बन आने से सेफ रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर कार्बन नहीं आएगा। तो हम ऐसी वो घर पे ही, सबके घर पे मिल जाती है ऑलमोस्ट, इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको वो चीज़ लगानी है इसके ऊपर, मैं आपको वो बता दूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें पानी डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो आप ये रेड कलर के देख सकते हैं, ये नीचे चले गए हैं, नीचे लेवल पे चले गए हैं, आप ये देख सकते हैं नीचे वाले लेवल पे, और ये हमेशा रेड कलर का लेवल इस वाले लेवल के पास होना चाहिए, इस लेवल के पास होना चाहिए, और अभी ये नीचे गए हुए हैं तो इसमें अभी पानी डालने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर पानी कौन सा डालना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मार्केट में आपको ये इजीली मिल जाता है 40 से 50 रुपए का। ठीक है, 5 लीटर के हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिकेशन आप ये देख सकते हैं, इसका पीएच वैल्यू, कंडक्टिविटी, टोटल इसके अंदर सॉलिड्स वगैरह, हार्डनेस वगैरह, ठीक है, सारी इसके अंदर लिखी हुई है, इसके रेट वगैरह भी लिखे हुए हैं। आपको ये मार्केट के अंदर बैटरी वाली, इन्वर्टर वाली के अंदर ईजिली मिल जाता है। 50 से 40 रुपये की एक बोतल है, ये 5 लीटर की बोतल आप देख सकते हैं, 50 से 40 रुपए की मिल जाएगी आपको आसानी से। अगर आप ये पानी डालते रहेंगे तो हमारी बैटरी की लाइफ भी सेफ रहेगी। कोई भी इसके अंदर गंदा वाटर पानी नहीं डालना है। कोई ये बोल देता है कि कोई भी पानी डाल दो नहर का, उसको अगर नहर का डाल दे उसको साफ़ करके डालना चाहिए अच्छे से, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं इसको ही प्रेफर करूँगा क्योंकि ये इसके लिए स्पेशल बना हुआ है। ठीक है, तो हमें पानी कहाँ से डालना है? ठीक है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं प्लस प्लस के निशान लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इनको सारे को खोल लेंगे, हम सबको खोल लेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर से पानी डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने ये सारे के सारे पॉइंट को ओपनली खोल लिया है। इसके अंदर हम ये वाला पानी डाल लेंगे, और ये एक कीप हमने बनाई है, आप भी बना सकते हैं आप, क्योंकि हम जुगाड़ू हैं तो जुगाड़ कर लेते हैं थोड़ा मोटा। आप प्रॉपरली कीप इस यानी कि फनल ले सकते हैं, तो इसके थ्रू इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसका जो पीछे का लेवल है, ये वाला जो है वो ऊपर के ऊपर बढ़ता रहे चलेगा, उसमें आपको पता भी लगता रहेगा कि इसके अंदर पानी डल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर पानी डाल के आपको दिखाते हैं कि एक एक करके, और बाद में सबसे लास्ट में आपको ये दिखाएंगे कि इसके अंदर आप क्या लगाएं जिससे कि कार्बन वगैरह ना आए। ठीक है, उससे आपकी बैटरी की जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है, यानी कि सेफ रहती है। तो चलिए सबसे पहले पानी डाल लेते हैं सबके अंदर। पहले पानी डालने की विधि आपको मैं बता देता हूँ, जो इसके पास में होता है इसके, इसको खोल के पानी नहीं डालते क्योंकि ये एक फ्लोट लेवल है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये ओपनली आसानी से ओपन खुल जाता है इनकी। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइट है, काफ़ी दिन हो गए इसको खोले हुए। ये एक फ्लोट लेवल है जिससे जो कि पानी का लेवल बताता है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लोट लेवल है, जैसे पानी का लेवल है, ये मान लो उंगली मेरा पानी का लेवल है, जैसे ये बढ़ेगा ऊपर ये लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लोट लेवल है, इसको खोल के पानी नहीं डालना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये तो एक लेवल दिखाएगा सिर्फ। ठीक है, पानी हमें यहाँ से डालना है तो ये अब ऑटोमेटिकली ऊपर आता रहेगा, और वहाँ पे जब तक यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हम पानी डालना बंद कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसके अंदर इसको खोल के हम इसके अंदर पानी डालेंगे फिर इसको डबो के देखेंगे कितना पानी हो गया, उसमें कम भी हो सकता है, उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो कैसे निकालोगे इसको, फिर वो पानी बाहर निकालने लग जाएगी, बैटरी की लाइफ ख़राब हो जाती है इससे। तो आपको हमेशा यहाँ से पानी डालना है बैटरी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर एक डेमो दिखाते हैं आपको, पानी एक पॉइंट के अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि उसका लेवल कैसे अप हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हम इसके अंदर पानी डालने वाले हैं। ये अभी एक हमारे पास एक ही बंदा है, ये पानी इसके अंदर डालेगा। तो इसके अंदर पानी डालो, इसके अंदर पानी डल रहा है और वो फ्लोट लेवल देख सकते हैं आप। ठीक है, वो लेवल देख सकते हैं आप, ये वाला लेवल जो मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल लेवल उसके पॉइंटर के पास पहुंच गया, यानी कि इसके अंदर लेवल पूरा कंप्लीट हो गया। हम एक डैम और दिखा देते हैं आप, दूसरा पॉइंट वाला भी। ठीक है, इसी हिसाब से दूसरे वाले में भी पानी डालेंगे हम, तो आप उसी के साथ हिसाब उसके साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर भी पानी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सारे के अंदर हमने पानी डाल लेना है।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल के बिल्कुल सारे के सारे लेवल ऊपर हो गए हैं। सबसे पहले आपने देखा था ये जो रेड कलर के लेवल हैं ये नीचे यहाँ पे थे, अभी ये सब के सब ऊपर हो गए, यानी कि इसके अंदर बैटरी का जो पानी था वो पानी की क्वांटिटी है वो पूरी हो गई है, इसके अंदर पूरा पानी हो गया है, ठीक है। और ये हमें एक महीने में या 15 दिन के अंदर या 15 दिन या महीने में, हर महीने हमें इसको संभालता रहना चाहिए, पानी डाउन तो नहीं हो गया, इसलिए बैटरी कई बार इसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके जो हमने ढक्कन खोले थे उनको हम दोबारा से इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हम इसके यहाँ पे ये नट बोल्ट है जो इसको हम टाइट करेंगे, ठीक है। टाइट करने से पहले क्योंकि इन्वर्टर पे लगाएंगे तो हम इसको लगा के देंगे किसी को, ठीक है, तो उसको हम क्या इसके ऊपर भी कुछ मटेरियल लगा के देंगे वो भी आप देखना, एक सरप्राइज़ ही है क्योंकि वो सबके घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले तो इसके ये बटन को बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये सारे के सारे बंद कर दिए हैं, अभी हम इसके ऊपर क्या लगाने वाले हैं वो दिखाते हैं आपको। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एक डब्बी है जो कि सबके घर पे मिल जाती है, जो कि है वैसलिन, जो हम अपने फेस में सर्दियों में लगाते हैं वैसलिन, जी हाँ दोस्तों। तो हम इसको ओपन करेंगे, इसके हर ये देख सकते हैं वैसलिन को हम मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा इसके ऊपर दिखाऊंगा डेमो आपको। इस तरह से इसके ऊपर टर्मिनल ब्लॉक जो टर्मिनल है इसका अच्छे से इसको इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है, सॉरी कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पे ये वैसलीन ना लगे, हर जगह हर एक पॉइंट पे आपको ये वैसलीन लगा के छोड़ देनी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो इसके अंदर चिकनाहट रहेगी और इसके ऊपर कार्बन वगैरह आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, इसके ऊपर कार्बन नहीं आएगा आपके उस आपने इसके ऊपर वैसलीन अच्छे से लगा देनी है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है आपको, पूरी हर इसकी जगह को कवर कर देना है, ठीक है, ऐसी कोई जगह ना बचे जो कि विदाउट उसके लगी हुई हो। तो चलिए हम इसको दोनों टर्मिनलों के ऊपर लगा के आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो ये नट बोल्ट इसके अंदर हम डालेंगे इसके ऊपर भी आपको वैसलीन लगा लेनी है, क्योंकि इसके अंदर भी ये देख सकते हैं आप ये थोड़ा थोड़ा कार्बन सा आया हुआ है, तो इसके ऊपर भी कार्बन भी नहीं आएगी और स्मूथनेस भी रहेगी थोड़ी सी नट की, ठीक है। और ये वाशर्स वगैरह हैं वो भी अच्छे से वैसलीन के अंदर लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर इसको अच्छे से वैसलीन से इसके अंदर लगा के, और जिसके नट है उनको भी हम अच्छे से वैसलीन से लगा के और इस तरह से लगा देंगे, इसी तरह से हम दूसरा कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी का केयर कर सकते हैं, अपनी बैटरी का देखभाल कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं और कब डालते हैं कैसा पानी डालते हैं आपको पता चल गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।